हेलो हेलो। चलिए आज हेलो हेलो। चलिए आज आप सबका स्टार्ट होगा बोर्ड पे। हम लोग यहाँ पेंट तक कंप्लीट कर लिए थे पिछले वाले वीडियो में। आज जो आप लोग का चलेगा वो चलेगा आप लोग का वर्ड पैड, ठीक है? तो हम लोग का पेंट हो गया थ्योरी में, तो आप सब कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं वर्डपिट, आज यहाँ से देखेंगे। चलिए वर्डपिट क्या चीज़ होता है देखते हैं। कहा तो वर्डपिट इज ए डॉक्यूमेंट मोड वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल इन एमएस विंडो। यानी कि वर्डपिट क्या चीज़ होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। क्या चीज़ होता है? डॉक्यूमेंट, जो कि वर्ड को आप टाइप कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल इन एमएस विंडो मतलब वर्ड को टाइप करने के लिए एक क्या होता है, एमएस विंडो के अंदर एक आपका कौन आता है, वर्डपिट। जैसे कि एम एस विंडो आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस विंडो, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में आपका सबसे पहले क्या होता है कि एम एस विंडो के साथ ही आपका विंडो के साथ जो आता है आपका वर्ड पेड, नोट पेड, पेन, कैलकुलेटर, ये आपका एम एस विंडो के ही अंतर्गत आता है। आपका नोट पेड, वर्ड पेड, पेन और कैलकुलेटर, ये एम एस विंडो का अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग नोट पेड पढ़ लिए विंडो के अंदर, पेन पढ़ लिए, अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्डपेड पढ़ रहे हैं, ठीक है? वर्डपेड हो जाएगा तो कैलकुलेटर भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्या कहता है वर्डपेड, एक तरह का क्या है, डॉक्यूमेंट है आपका, वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल इन एमएस विंडो। एमएस विंडो के क्या होता है, अंदर एक आपका वर्डपेड आता है जो कि इसमें आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अगला कहता है आपका, यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, रिपोर्ट, लिस्ट एंड शो ऑन फीचर्स लाइक चेंजिंग द फॉन्ट, बोल्ड, अंडरलाइन, पिक्चर, इंसर्टिंग ईटीसी, इंक्लूडिंग फॉर द टेक्स्ट राइट इन एम एस वर्ड पेड। कहने का मतलब ये समझिएगा, आपका कहता है यहाँ से यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब आप इसमें क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं एज लेटर। कहने का इस डॉक्यूमेंट में आप क्या कर सकते हैं, वर्ड पेड में आप क्या कर सकते हैं, लेटर तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं किसमें, वर्ड पेड में। कटा एंड सो ऑन फीचर्स, और भी फीचर्स इसमें दिया हुआ है, जैसे आप चेंज कर सकते हैं वर्ड पेड में, क्या चेंजिंग कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट अगर टाइप किए हैं उसका क्या कर सकते हैं आप, फॉन्ट साइज को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और उसमें क्या कर सकते हैं, वर्डपेड में आप पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? इट इसी इंक्लूडिंग फॉर द टेक्स्ट राइट इन वर्डपेड। कहने का मतलब उसमें और भी चीज़ आपका क्या इंक्लूड है, वर्डपेड कैन इंक्लूडिंग रिच फॉर्मेटिंग एंड ग्राफिक्स अनलाइक नोटपेड। कहने का मतलब वर्डपेड जो होता है आपका, नोटपेड से कुछ फीचर्स आपका दिया हुआ है किसमें, वर्डपेड से ज़्यादा फॉर्मेटिंग करने के लिए फीचर्स किसमें दिया हुआ है आपका, वर्डपेड में, नोटपेड से बेहतरीन अच्छा रहेगा आपका। जैसे नोटपेड जो देखते थे सिर्फ आप टाइपिंग कर सकते थे नोटपेड में, और क्या करते थे टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज ही चेंज कर सकते, लेकिन आप ये वर्डपेड क्या है आपका, नोटपेड से कुछ इसमें विशेष फीचर्स दिया हुआ है वर्डपेड में। जैसे वर्डपेड में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को वर्डपेड में लेटर तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट, लिस्ट, ये सारा चीज़ तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप वर्डपेड में फॉन्ट साइज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन, इटैली, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपका नोटपेड में आपका सुविधा नहीं था, ठीक है? वही कह रहा है आपका कि भाई नोटपेड से अच्छा जो बेहतरीन आपका रहता है वर्डपेड ही अच्छा है, ठीक है? तो आगे देखिएगा आपका लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन फाइल नेम ऑफ वर्डपेड, यानी कि वर्डपेड का आपका एक्सटेंशन फाइल नेम क्या चीज़ होता है। एक्सटेंशन फाइल का मतलब होता है आपका कि वर्डपेड में अगर सेव करिएगा तो कोई भी डेटा को वो किस फॉर्मेट में सेव होता है, तो किस फॉर्मेट में सेव होता है, DOC, DOC फॉर्मेट में आपका क्या होता है, डेटा को आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे देखिएगा क्या लिखा है, आगे आपका लिखा है फीचर्स ऑफ वर्डपेड। यानी कहने का मतलब फीचर्स ऑफ वर्डपेड का मतलब होता है वर्डपेड की विशेषता क्या चीज़ है। वर्डपेड का विशेषता देखते हैं, सबसे पहले फीचर्स का मतलब होता है विशेषता, किसका विशेषता, वर्डपेड। तो वर्डपेड में विशेषता देखते हैं क्या है, सबसे पहले आपका लिखा है क्रिएट टू यूज वर्डपेड एज नोटपेड। कहने का मतलब कि भाई आपका सिंपल से जो वर्डपेड देखते हैं, ये वर्डपेड सिंपल से जो देखते हैं आप वर्डपेड, हाँ वर्डपेड क्या होता है, नोटपेड से बेहतरीन आपका कौन सा रहता है, वर्डपेड। वर्डपेड क्या चीज़ होता है, आप नोटपेड से बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट आप तैयार कर सकते हैं, जिस टाइप के नोटपेड में आप नहीं तैयार कर सकते उस टाइप का क्या कर सकते हैं आप, वर्डपेड में आप तैयार कर सकते हैं।
ठीक है, वर्डपेड से आप बेहतरीन डॉक्यूमेंट किस में तैयार कर सकते हैं, वर्डपेड में। अब अगला लिखा है आपका वर्डपेड, वर्डपेड हाइज मोर फीचर्स देन नोटपेड। कहने का मतलब कि वर्डपेड में के फीचर्स के मतलब होता है तुलना, यानी कि वर्डपेड की तुलना से अगर देखा जाए तो नोटपेड से बेहतरीन आपका कौन रहेगा, आपका वर्डपेड रहेगा। यानी कि नोटपेड से वर्डपेड की तुलना में आपका, नोटपेड की तुलना में आपका वर्डपेड से फीचर्स क्या है, वर्डपेड में फीचर ज़्यादा है, अधिक है। अब इसके बाद कहता है वर्डपेड हाइज फेवर 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 फीचर्स देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कहने का मतलब कि भाई आपका वर्डपेड हाइज, कहने का मतलब कि भाई वर्डपेड से फीचर्स यानी तुलना, वर्डपेड की तुलना अगर करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तुलना से बहुत कम है। कहने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसकी तुलना से अगर करते हैं तो वर्डपेड की तुलना अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तुलना से वर्डपेड बहुत कम है, बहुत छोटा है। वर्डपेड में आप जितना चीज़ आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वर्डपेड में जो भी टेक्स्ट का बोल्ड कर सकते हैं, इटैली कर सकते हैं, लेकिन वर्डपेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो देख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपका वर्डपेड की तुलना में क्या है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, आपका अधिक है, अधिक जानते हैं। क्योंकि वर्डपेड में आप क्या कर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट का आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पेज कलर कर सकते हैं, वाटरमार्क लगा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपका इसमें फीचर्स नहीं दिया हुआ, किसमें, वर्डपेड। यानी कि वर्डपेड की तुलना में आपका कौन है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कहता इन दिस वी कैन प्रिपेयर द लेटर। कहने का मतलब इन दिस वी कैन प्रिपेयर द लेटर का मतलब होता है कि आप वर्डपेड में क्या कर सकते हैं, आप किसी भी लेटर को क्या कर सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। आगे कहता है आपका इट हैज इटैली बोल्ड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। कहने का मतलब कि आप अपने वर्डपेड में क्या कर सकते हैं कि भाई टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैली कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यही ऑप्शंस आपका किस में, वर्डपेड में दिया हुआ है, जो कि आपका नोटपेड में ये आपका ऑप्शंस बोल्ड करने के लिए दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या है कि भाई आप फॉर्मेटिंग कर सकते, टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं वर्डपेड में, लेकिन वर्ड नोटपेड में आपका क्या है, ये कलर नहीं कर सकते टेक्स्ट का, ठीक है। अब आगे देखिएगा लिखा आपका यह इट्स वर्क विथ एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका क्या होता है, वर्डपेड इंक्लूड रहता है, वर्डपेड ऑपरेटिंग सिस्टम के ही साथ आता है वर्डपेड आपका। अब आगे लिखा है आपका कम विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का मतलब ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, कम किसके साथ आता है, आपका एमएस विंडो के साथ आपका इंक्लूड रहा है, में ऑपरेटिंग सिस्टम के में ही आपका आता है, कौन, वर्डपेड आता है। एमएस विंडो में अंतर्गत जैसे वर्डपेड पढ़ रहे हैं तो ये एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम के ही साथ आपका क्या आता है, वर्डपेड आता है, एमएस विंडो के साथ ये क्या होता है आपका, वर्डपेड आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है आपका वर्डपेड। अब आगे देखिए, इसके बाद फीचर्स हो गया, तो अब आगे देखिएगा लिखा होगा वर्डपेड को स्टार्ट करेंगे कैसे। खर क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम पे जाइएगा, इसके बाद एक्सेसरीज पे जाइएगा, क्लिक ऑन वर्डपेड, वर्डपेड पे क्लिक करिएगा, आपको वर्डपेड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप स्टार्ट बटन पर आइए, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, वर्डपेड पे क्लिक करिएगा, ये वर्डपेड का स्क्रीन क्या हो जाएगा आपके सामने, ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से वर्डपेड को, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। अब वर्डपेड में सबसे पहले हम लोग न्यू ऑप्शंस का देखेंगे। न्यू ऑप्शंस क्या चीज़ होता है, न्यू ऑप्शंस आपका लिखा है यूज फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब कि आप न्यू ऑप्शंस का अगर यूज करते हैं वर्डपेड में तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप एक नया डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, किसमें, वर्डपेड में। जैसे आप स्टार्ट बटन पर आइएगा, यहाँ से आपको वर्डपेड ओपन कर लेना है। वर्डपेड ओपन करने के बाद यहाँ मान लीजिए हम कुछ टाइप कर देते, टाइप यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, और कॉपी करने के बाद वर्डपेड पर हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते, ठीक है। ये मान लीजिए हम टाइप किए, अब इसी टाइप किए, टाइप करने के बाद हम क्या करना है, नया पेज लेना है। यहाँ पर नया पेज कैसे लेंगे, अब इसको सबसे पहले समझना है न्यू क्या चीज़ होता है। न्यू हम आपको बताएं न्यू क्या चीज़ होता है, ये स्क्रीन को थोड़ा सा वर्डपेड में टाइप किया है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते, ठीक है। न्यू क्या कहता है, यूज फॉर क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। आप वर्डपेड में क्या कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। और ओपन का मतलब क्या कहता है, ओपन ओपन कहता है यूज फॉर ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल। कहने का मतलब आप क्या करें, जो भी नाम से आप सेव किए वर्डपेड में, जो भी डेटा को आप सेव किए, आप ओपन से क्या कर सकते हैं, आपको उस डेटा को क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन
कर सकते हैं वर्डपैड में, ठीक है। और सेव का मतलब आप समझ रहे हैं, सेव क्या चीज़ होता है, कहते हैं यूज फॉर सेव द फाइल, आप फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताते हैं आप सेव, सबसे पहले हम सेव का प्रैक्टिकल बात, सेव करना होगा, ये मान लीजिए वर्डपैड में हम टाइपिंग के इसको सेव करना, सेव करने के लिए ऑफिस बटन पर जाइएगा, सेव पर क्लिक करिएगा, सेव का डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब पूछ रहा है भाई आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं, जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ पर नाम प्रेस कर दीजिए, अब DIT के नाम से इसको हम क्या करें सेव कर दिए, ठीक है, सेव कर दिए। अब कहता है कि सबसे पहले न्यू ऑप्शंस क्या करेगा, अगर सेव कर दिया, अब नया डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा तो भैया कैसे करेंगे, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पर जाना है, न्यू पर क्लिक करिएगा तो देखिए नया डॉक्यूमेंट आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ था न्यू। अब इसके बाद ओपन ऑप्शंस का क्या चीज़ है, सेव बताएं, न्यू बताएं, ओपन, ओपन का मतलब होता है किस, क्लिक करिए, क्लिक किए तो भाई किस नाम से आप सेव किए हैं, तो वो उस डेटा को, उस फाइल को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, किसके नाम से आप सेव किए तो वो फाइल आप यहाँ से क्या करिएगा, सेलेक्ट करिए, DIT के नाम से सेलेक्ट किए थे, बनाए थे, आप DIT के नाम से यहाँ क्या करिए, सेलेक्ट करिएगा फाइल को, यहाँ से क्या करना, ओपन करना। देखिए DIT के नाम से आप ओपन किया, सेव किए तो यहाँ से क्या हो गया, आपका ओपन हो गया। न्यू का मतलब क्या था, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में आप टाइपिंग किए, आप नया डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं, न्यू ऑप्शंस का यूज करके आप नया डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। ओपन का मतलब हम आपको बताएं, अगर आप नया डॉक्यूमेंट तैयार किए, अगर जो सेव करके रखे हैं उस फाइल को ओपन करना है तो ओपन ऑप्शंस का यूज करके आप ओपन कर सकते हैं, सेव जो भी आप टाइप किए हैं डॉक्यूमेंट में आप उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है प्रिंट, प्रिंट क्या चीज़ होता है समझिएगा, प्रिंट आपको बताएं प्रोवाइड आउटपुट और फाइल ऑन पेपर, कहने का मतलब कि भाई प्रिंट क्या करता है कि प्रोवाइड क्या करता है कि अगर ये सॉफ्ट कॉपी में जो मॉनिटर पर देख रहे हैं आप, ये मॉनिटर पे जो इसको क्या करते हैं प्रिंट निकाला, प्रिंट निकालना होगा तो आप प्रिंट निकाल के क्या कर सकते हैं, वो इस सॉफ्ट कॉपी को आउटपुट के रूप में आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उस पेपर पर ला सकते हैं इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, ठीक है। प्रिंट आपका होता है परमानेंट डॉक्यूमेंट, आप इसको क्या करते हैं सॉफ्ट कॉपी को क्या करते हैं प्रिंट करके आप निकालिए तो आप छू सकते हैं, भी है, देख सकते हैं, एक तरह का परमानेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू का काम क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू आपका कहता है सो हाउ ए फाइल विल लुक When you print it, कहने का मतलब अगर प्रिंट प्रीव्यू अगर आप टाइप किए हैं MS Word में तो भाई आपका अगर किस टाइप का ये प्रिंट निकलेगा तो वो देखना, तो जैसे आ जाइएगा यहाँ ऑफिस बटन पे, प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करिएगा, यहाँ पर यहाँ से आ जाना प्रिंट, यहाँ से प्रिंट पाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू पाइएगा, किस टाइप का प्रिंट निकलेगा, किस टाइप का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, देखिए ये आपका पेज हो गया, पेज में किस टाइप का आपका प्रिंट निकलेगा, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ना प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू पर आप क्या कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट में आप अगर की टाइप किए हैं तो आप किस टाइप का निकलेगा तो हम प्रिंट प्रीव्यू पर आकर उस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का काम यही होता है, ठीक है। अगर प्रिंट निकालना होगा तो यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करिएगा, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी तो प्रिंटर फिलहाल मेरा जो देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया उसमें, तो अगले वीडियो में बताएंगे प्रिंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्रिंट निकालने में कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ आपको प्रिंट पर क्लिक करना है, जितना पेज निकालना होगा आप उतना पेज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद कहता है फाइंड, देखिए इसको कर देते क्लोज, आइए यहाँ पर। अब इसके बाद है आपका फाइंड, फाइंड क्या चीज़ होता समझिएगा, फाइंड कहता सर्च द स्पेसिफाई वर्ड फ्रॉम ए फाइल, कहने का मतलब फाइंड का मतलब होता है खोजना, क्या चीज़ होता है खोजना। अगर आप सिंपल सा क्या किए वर्डपैड यहाँ से क्लोज कर दिए, वर्डपैड खोल लेते हैं यहाँ से, जिस नाम से सेव किए तो उसको भी ओपन कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या चीज़ होता है, फाइंड का मतलब क्या बताएं, खोजना, खोजना क्या चीज़ होता है, जैसे देखिएगा फाइंड यहाँ पे, फाइंड कैसे खोजिएगा, आप यहाँ पे क्या करना है वर्डपैड में फाइंड ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है क्लिक करना है, जैसे क्लिक करिएगा एक फाइंड का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब ये पूछेगा कि भाई साहब अगर आप कोई भी अगर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को ढूंढना है, खोजना है, तो कौन सा टेक्स्ट को आपको ढूंढना है, कौन सा लेटर को ढूंढना है, तो वहाँ पर फाइंड में आप ढूंढ सकते, जैसे खोजना है हमको द कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर द प्रेस करिएगा, प्रेस करने के बाद यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट क्लिक करिए, देखिए दिखा रहा है द यहाँ है, फिर क्लिक करिए यहाँ है, अब दिखा रहा अब नहीं है, यही चीज़ होता है फाइंड का मतलब खोजना, आप ढूंढ सकते कोई भी लेटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है फाइंड का, उसके बाद होगा कट, कट क्या चीज़ होता है, कट कहता है मूव द सेलेक्टेड कंटेंट द स्पेसिफाई लोकेशन, कहने का मतलब कट का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को आप मूव करते कर सकते हैं, उस टेक्स्ट का क्या मूव मतलब होता है स्थान, उसका लोकेशन को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहां से आ जाइए वर्डपैड पे आ गए, अब देखते हैं भाई सिंपल से ये ओपन जो लिखे हुए हैं न्यू के नीचे,
इस टेक्स्ट को भैया हम काट के लाएंगे नीचे, ये फाइंड फाइंड के नीचे लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को यहाँ से काटना पड़ेगा। कैसे काटेंगे, अब इसको कर लीजिए माउस से सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद इसी पर राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पर कर लीजिए कट, ये कट हो गया। कहाँ पर लाना है, जहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा वहाँ क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद अब राइट क्लिक करिएगा, इसके बाद कर दीजिए पेस्ट, दिखे यह सेव यहाँ आ गया आगे ना। अब ये फाइंड को ऊपर लिखना है यहाँ, तो कैसे करिएगा, इसका कट करना होगा कैसे, अब यहाँ पर इसको कर लीजिए सेलेक्ट, यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा, यहाँ कर लीजिए कट, कट गया, जहाँ पेस्ट करना होगा वहाँ पर क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, यह फाइंड आपका ओपन के नीचे आ गया, कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद लिखा है कॉपी, कॉपी क्या कहता है देखिएगा, कहता है क्रिएट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सेलेक्टेड कंटेंट ऑफ स्पेसिफाइड लोकेशन। कहने का मतलब आप कोई भी टेक्स्ट अगर लिखा है उस टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, अगर कॉपी करते हैं तो उसका एक डुप्लीकेट तैयार करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर वर्डपैड में लिखा हुआ टाइप, अब इसी को बोलेंगे, इसी चीज़ को एक नीचे आपको लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, वही कॉपी पेस्ट, तो इसका क्या, ये ओरिजिनल वाले को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करिएगा, कॉपी, ये ओरिजिनल वाले कॉपी कर लिए, अब यहाँ पर जो आप इस सेव के नीचे पेस्ट कर देते, ठीक है, राइट क्लिक किए पेस्ट, पेस्ट कर दिए, देखिए ऊपर एक न्यू ओपन फाइल, इसके नीचे भी पेस्ट कर दिए, ये क्या हो गया, ये ओरिजिनल का एक डुप्लीकेट यहाँ पर आ गया, समझ रहे हैं, इसी का मतलब होता है कॉपी पेस्ट, यानी कि आप इसी को 10 बार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी करिए, फिर इसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटर करिए, इंटर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। देखिए कितना डॉक्यूमेंट हो गया, तीन बार आ गया, चार बार, जितना बार पेस्ट करना होगा आप पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस भी करते जाइए, ये पेस्ट होते जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट का भी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, अब आगे आपका कह रहा, फिर आ जाइएगा वर्डपैड पे, कॉपी समझ गए, पेस्ट क्या चीज़ समझ गए, कि आप जो भी कॉपी किए टेक्स्ट को, जो भी कट किए, तो उसको लास्ट में क्या करना पड़ता है आपका, उसको यूज करना पड़ता है पेस्ट, तब आपको कुछ परिवर्तन दिखेगा, ठीक है। अब कहता है अंडू, अंडू क्या कहता है देखिएगा, रिवर्स द लास्ट इंट्री ऑफ डिलीट, डिलीट डिलीटेड द लास्ट टाइप टेक्स्ट। कहने का मतलब जो भी अगर आप टाइप यहाँ पर किए हैं, अगर वो क्या हुआ डिलीट हो गया, तो उसको क्या करते हैं हम रिकवर करते, उसको क्या करते हैं वापस लाने के लिए क्या करते हैं हम अंडू, अंडू का मतलब होता है कि वापस लाना। अगर ये टेक्स्ट लिखा है, अब इसको किसी कारणवश अगर आपका ये टेक्स्ट क्या होता है डिलीट हो जाता है, अगर इसको वापस लाना होगा तो वापस लाने के लिए क्या करते हैं इसको हम अंडू करते, क्या करते हैं अंडू, इसको वापस लाना ही अंडू करा, तो कैसे लाएंगे, अब राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पेस्ट करिएगा, देखिए वापस आ गया, इसी को बोला जाता है, कहा जाता है आपका अंडू कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए अंडू समझ गए, इसके बाद कह रहा है डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम क्या चीज़ होता है वो समझिएगा, कह रहा है इंसर्ट करेंट डेट एंड टाइम इन दिस डॉक्यूमेंट, इन द डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब आप क्या कर सकते हैं, डेट एंड टाइम आपका क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में करेंट डेट एंड टाइम इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आप क्या कर सकते हैं ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आइएगा अगला, दिया हुआ है आपका यहाँ पर आइकन और फॉर्मेटिंग टूल बार, कुछ टूल बार का यहाँ फिगर दिया हुआ है, ये जो देखते हैं वर्डपैड पे एरियल देखिए, यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ये सब आपका अलाइनमेंट है, ये आपका बुलेट है, बोल्ड इल्टर, ये अंडरलाइन है, ये आपका क्या है, ये इटैली है, ये अंडरलाइन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कक करके सारा, ये यही सारा बॉक्स अभी हम लोग जानेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है आपका फॉन्ट, फॉन्ट क्या चीज़ होता है वो देखिएगा, फॉन्ट कहता है इट इज़ यूज चेंज द फॉन्ट नेम स्टाइल। कहने का मतलब आप अपना टेक्स्ट जो भी लिखे वर्डपैड में उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब फॉन्ट साइज क्या चीज़ कह रहा है, फॉन्ट साइज कहता है इट इज़ यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज, उसका फॉन्ट साइज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी कैसे टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते, कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग वर्डपैड पे आ जाते हैं, अब ये टेक्स्ट जो लिखे, अब इस टेक्स्ट को क्या कर देते, अब यहाँ से हम न्यू को हटा देते हैं, यहाँ से यूज को नीचे कर दिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो आप टेक्स्ट को जितना का चेंज करना हो उतना को सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करिएगा, जो भी फॉन्ट स्टाइल लेना होगा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी लेना होगा तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए फॉन्ट स्टाइल, देखिए इसका फॉन्ट स्टाइल देखिए चेंज हुआ, ये भी चेंज हो गया ना, इसी को बोले था फॉन्ट स्टाइल, फिर चेंज करना होगा फिर इसको सेलेक्ट करिएगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं फॉन्ट स्टाइल आप फिर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सेलेक्ट यहाँ से हम क्या करते हैं फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिए, कोई दिक्कत, फॉन्ट स्टाइल यहाँ से आप क्या करिए फिर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर से यहाँ से फॉन्ट स्टाइल आप क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना।
अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, साइज छोटा कम बढ़ाना है, घटाना है, कम करना है, आप यहाँ से फॉन्ट साइज जितना भी करना होगा आप यहाँ से कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, घटा भी सकते हैं जितना करना होगा आप यहाँ से। 20 कर देते हैं, यहाँ से 20 कर दिए, ये देखिए 20 में क्या हुआ, छोटा गया। फिर और छोटा करना होगा यहाँ से भी आपको क्या होता है, तो ये भी जो देखते हैं यहाँ से भी आप टेक्स्ट को क्या करिए फॉन्ट साइज बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से भी क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं, एज बड़ी एज देखते हैं छोटी देख सकते हैं, इसी से आपका फॉन्ट साइज बढ़ेगा और कम भी होगा। अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना होगा तो आप यहाँ से क्या करिएगा, डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करिएगा, यहाँ से आप फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखते हैं ये टेक्स्ट जो देख रहे हैं, ये टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है। देखिए ये टेक्स्ट देख रहे हैं, इसको बोल्ड करना होगा, बोल्ड करने से पहले इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से बोल्ड कर लीजिएगा। देखिए बोल्ड में ये थोड़ा सा क्या हो, बोल्ड टाइप का दिख रहा है। अब इस टेक्स्ट में इटैली करिएगा तो ये थोड़ा इटैली करने के बाद क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, इटैली पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आई जो दिख रहा है, देखिएगा अब वर्ड देखिए यहाँ पर कैसा वर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो हम लेटर लिखे हैं देखिए ये हल्का तिरछाम दिखता है, ये क्या किया, इटैली किए। अब इसमें अंडरलाइन डालना होगा तो ये टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से आप डाल दीजिए, यू पे प्रेस करिएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत, अंडरलाइन भी हो गया, ठीक है। अब देखिएगा फंड का इसका कलर करना होगा तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप फंड का कलर जो देखते हैं टेक्स्ट कलर, यहाँ जो भी टेक्स्ट कलर आपको लगाना होगा आप अपने मन से वो कलर क्या कर सकते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट का कलर यहाँ पर ऐड कर दिए, कोई दिक्कत। फॉन्ट साइज बढ़ाना होगा और थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए फॉन्ट साइज, चलिए हो गया। अब इसका पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना होगा, इसको सेलेक्ट करिएगा, पीछे का बैकग्राउंड अगर चेंज करना होगा यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को हाइलाइटेड कर सकते हैं, टेक्स्ट को देखिए जो भी जिस कलर में लेना होगा टेक्स्ट को हाइलाइटेड करना आप यहाँ से हाइलाइटेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टेक्स्ट को हाइलाइटेड कर दिए, कलर पीछे का बैकग्राउंड, ये चीज़ होता है आपका कलर। अब अलाइनमेंट समझेंगे क्या होता है, ये न्यू को सेलेक्ट करिएगा, ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट साइड में ये जो देखते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रल अलाइनमेंट, अगर सेंट्रल अलाइनमेंट का यूज करते हैं तो आपका जो भी टेक्स्ट लिखे ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इधर राइट साइड करना है तो आप इधर राइट अलाइनमेंट है राइट साइड आ जाएगा, ठीक है, सेंटर करना सेंटर में। अब इसके बाद जस्टिफाई समझेंगे, अगर इसको सेलेक्ट किए टेक्स्ट को, अब ये टेक्स्ट देखते किस टाइप का, जस्टिफाई करिएगा यहाँ क्लिक तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, इसी को बोला जाता है आपका जस्टिफाई, ठीक है। चलिए यहाँ तक देख लिए, आइए देखते हैं इटैली समझ गए टेक्स्ट का क्या होता है, आप टेक्स्ट में अगर इटैली करते वो टेक्स्ट क्या होता है, तिरछा होता है, अंडरलाइन भी समझ गए, टेक्स्ट का कलर भी कर लिए। अब लेफ्ट, अगर लेफ्ट अलाइनमेंट जो यूज किए टेक्स्ट को, लेफ्ट क्या चीज़ होता है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, कि आप टेक्स्ट यहाँ पर जो भी लिखे उसको बीच में से करना होगा, लेफ्ट साइड में करना होगा, लेफ्ट साइड में। सेंट्रल अलाइनमेंट, अगर कोई भी टेक्स्ट लिखे डॉक्यूमेंट के बीच में लाना है सेंटर पर तो सेंट्रल अलाइनमेंट का यूज़ करिएगा, राइट साइड लाना है तो राइट अलाइनमेंट का यूज़ करिएगा, ठीक है। अब बुलेट, चलिए आइए यहाँ बुलेट क्या चीज़ होता है देखते हैं, एक बार अलाइनमेंट फिर से बता देते हैं। न्यू को सेलेक्ट करिएगा, ये आपका लेफ्ट साइड आ गया, ये देखिए न्यू, सेंटर में लाना है तो यहाँ सेंटर अलाइनमेंट, अब इसको लाना होगा राइट साइड में तो राइट अलाइनमेंट, ठीक है, सेंटर लाना सेंटर करिए, इसी को बोलते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग बुलेट क्या चीज़ होता है, ठीक है, इसको कर देते हैं डिलीट, बुलेट दिखाते हैं आपको किसको बोलते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं अलाइनमेंट में बुलेट क्या है। जो भी ये मान लीजिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन में लिखे, अब बोलेंगे इसमें नहीं भाई बुलेट लगाई, बुलेट क्या होता है, जैसे कोई कोई नंबर लगाते कहेंगे भाई 10 लाइन आप कुछ कंप्यूटर पर लिख के आइए 10 लाइन, अगर बोलेंगे 10 नाम आदमी, 10 बॉय का नाम लिखिए इस साइड, 10 गर्ल्स का नाम लिखिए, तो आप क्या करिएगा, कोई कोई 1 2 3 4 5 6 लेगा लगाएगा, गर्ल्स का नाम या बॉय का नाम लिखने से पहले क्या लगेगा, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाय का नाम लिखने के लिए क्या करिएगा, इसके आगे 1 2 3 4 लगाइएगा, फिर इसके बाद क्या करिएगा, कोई 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 स्टूडेंट क्या करेगा इसमें ABCD करके लिखेगा, कोई स्टार स्टार लगाएगा, उसी को बोला तो वो जो लगा रहा है उसी को अलाइनमेंट, उसी को बुलेट बोलते हैं। बुलेट कैसे लगाएगा, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद ये जो देखते हैं इसको बुलेट बोलते हैं, यहाँ देखिए बुलेट लगाएं, ये आपका बुलेट हो गया, ये नंबर बुलेट हो गया, ये आपका अल्फाबेटिक बुलेट, जो भी बुलेट लगाना होगा आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, देखिए बुलेट लगाना इसी को बोला जाता है आपका बुलेट, इसी को बोला जाए कहा जाता है। अब बुलेट यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ाइए, बुलेट का भी बढ़ेगा, देखिए इसी जो आगे लगा टेक्स्ट के आगे इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बुलेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, आगे बुलेट हो गया, अब कंट्रोल के साथ कहता है लेफ्ट एरो,
ठीक है, और कंट्रोल के साथ राइट एरो, ये क्या होता है समझिएगा। अगर वर्डपैड में आप यहाँ पर क्या किए, टाइप किए हैं, अगर आपको ये टाइप करने के बाद कर्सर आपका यहाँ पे है, कर्सर आपका यहाँ पे है, क्या कर रहा था आपका कंट्रोल के साथ राइट एरो और कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, समझिएगा। आ गई वर्डपैड में, वर्डपैड में आने के बाद कंट्रोल के साथ अगर लेफ्ट एरो, एरो किसको बोलते हैं, ये कीबोर्ड में जो देखते हैं ये एरो, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ऊपर वाले को टॉप, नीचे वाले को क्या बोलते हैं बॉटम, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, ठीक है। तो अब कह रहा है यहाँ पर अगर कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है कि जो भी वर्ड लिखे यहाँ पर ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग के बाद हम क्या करते हैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं, ये देखो ऑपरेटिंग के बाद क्या आ जाएगा, ये आपका लेफ्ट एरो प्रेस किया तो देखिए ऑपरेटिंग के आगे आ गया, फिर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, देखिए ये फोर के आगे यूज के आगे लाना होगा, तो कंट्रोल के साथ ये आप ला सकते हैं, ये शॉर्टकट की अच्छा याद रखिएगा। फिर कंट्रोल के साथ आप राइट एरो प्रेस करिए तो ये क्या आ जाएगा, आगे जाएगा, फोर के आगे चल जाएगा, ऑपरेटिंग के आगे चल जाएगा, आप एग्जिस्टिंग का आगे चल जाएगा, फाइल के आगे चले जाएगा, फिर इसके बाद ये क्या कर सकते हैं आप अपने टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, एक जगह एक ना एक ये जो लिखे हुए आप इसको जो बोला जाता है आपका करेक्टर ने, ये लाइन कोई लेटर बोला जाता है, शब्द बोला जाता है, ठीक है, एक शब्द से दूसरे शब्द के पास जाना होता है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो राइट एरो, ये आपका शॉर्टकट की आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कहता है होम बटन और इन बटन, ये क्या चीज होता है, कंट्रोल के साथ इन और कंट्रोल के साथ होम, ये समझ जाइए। ये जो कीबोर्ड में होम बटन देखते हैं इसको क्या काम करता है, अगर आप वर्डपैड में हैं नीचे हैं, ठीक है, अब कहेंगे सबसे ऊपर जाना होगा तो भाई क्या करेंगे, 1000 डॉक्यूमेंट में है, इसमें मान लीजिए इसमें 1000 पेज, फिर इसके नीचे हम क्या करते हैं राइट क्लिक करके पेस्ट, देखते बहुत सारा हो गया। अब हम नीचे हैं, मान लीजिए 1000 पेज है, 1000 डॉक्यूमेंट के नीचे हैं, अब बहुत सारा यहाँ टाइप किया हुआ, हम जाना है फर्स्ट पेज पर, अब फर्स्ट पेज पर जाने के लिए आप क्या करिएगा, डायरेक्ट आप होम बटन जैसे प्रेस करिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा, जैसे होम बटन यहाँ से प्रेस करिएगा तो, चलिए यहाँ कहीं भी अगर आप हैं लास्ट जगह पे है, लाइन के लास्ट में पे है, तो अगर आप क्या करिएगा होम बटन प्रेस करिएगा, वो लास्ट ये लाइन के लास्ट में है, अगर होम बटन प्रेस करिएगा ये कर्सर जो देख रहा है ना यहाँ पे आ जाएगा लाइन, क्लिक किए अब होम बटन प्रेस करते हैं, देखिएगा आपका ये आगे आगे आ गया ना, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर होम बटन प्रेस करेंगे, देखिए आगे आ गया, ये होम बटन आपका यही काम करता, और इन बटन काम क्या करता, इन बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको क्या करेगा ये आपको लास्ट लेते जाएगा, अगर मान लीजिए आगे प्रिंट के आगे है, इन बटन प्रेस करते हैं देखिए कर्सर आपका आ गया पेपर का आगे, ये काम करता आपका इन बटन, आपका क्या करता है कोई भी लाइन के लास्ट में जा सकते हैं, लाइन के लास्ट में आप फर्स्ट आगे आना है तो उसके लिए होम बटन प्रेस करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अब आगे क्या है आपका व्यू रूलर, व्यू रूलर किसको कहते हैं वर्डपैड में, ये ऊपर वाले जो देखते हैं 1 2 3 4 इसको क्या बोलते हैं रूलर वाले, इसको क्या बोलते हैं रूलर, ठीक है, रूलर इसी को बोला जाता है। अब कहता है आपका प्रोसेसिंग ऑफ इंसर्ट द पिक्चर एनी फाइल, कोई भी फाइल से आपको इंसर्ट करना है आपको किस में वर्डपैड में पिक्चर को, यहाँ से वर्डपैड में आ जाएगी, यहाँ पिक्चर अगर इंसर्ट करना होगा कोई फाइल से तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पिक्चर्स का ऑप्शन, पिक्चर पर क्लिक करिएगा, यहाँ पिक्चर्स पर आ जाइएगा, जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ जो भी पिक्चर इंसर्ट करना है आप यहाँ से क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते, कोई भी पिक्चर आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा, यहाँ से कर दीजिए ओपन, देखिए पिक्चर आपका इंसर्ट हो गया, फिर करना होगा फिर पिक्चर पर आइए, पिक्चर पर सेलेक्ट करिएगा, जो भी पिक्चर यहाँ से लेना होगा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं सेलेक्ट करिएगा, ओपन करिए, देखिए पिक्चर आ गया आपका यहाँ पर, ये क्या कहता है आप वर्डपैड में पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं दिक्कत है। अब अगले वाले वीडियो में जो ये शॉर्टकट की बचा हुआ है ये आपका कंट्रोल के साथ बी बोल्ड, कंट्रोल के साथ आई इटैली टेक्स्ट को कैसे इटैली करते, कंट्रोल के साथ यू अंडरलाइन, कंट्रोल के साथ एल आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर इसके बाद सेंट्रल अलाइनमेंट, कंट्रोल के साथ ई, ये सारे शॉर्टकट की हम क्या करेंगे आपको पढ़ाएंगे, इसका एक वीडियो बना देंगे इसके बाद, ठीक है। वर्डपैड हो गया, कल क्या करेंगे ये शॉर्टकट की हम सिर्फ पढ़ाएंगे, ठीक है, शॉर्टकट की का ये बताएंगे किसका यूज कब होता है, बोल्ड कैसे करेंगे ये शॉर्टकट की के द्वारा हम बताएंगे कल, ठीक है। आज तो आपको हम बता दिए ये माउस से, कल हम शॉर्टकट की से बताएंगे बोल्ड और इटैली कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा ये वीडियो का आज यहीं तक रखिए, अगले क्लास में फिर आप लोग से मिलते हैं।